और राज्य सरकार और जिला प्रशासन लॉकडाउन में गरीब परिवारों को खाद्यान्न लगातार पहुंचा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन गोदामों में कोरोना के संक्रमण के रोकथाम को लेकर कोई व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ के लोगों के पास न तो मास्क है और न ही सैनिटाइजर, इससे वहाँ काम करने वाले मजदूर काफी सहमे हुए हैं। वहीं बाहर से आने वाले ट्रकों के चालकों के मेडिकल जांच तक नहीं हो रही है। आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि सभी खाद्यान्न गोदामों में सैनिटाइज किया जा चुका है और सोशल डिस्टेंस के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दिक्कत है, एफसीआई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कोई जांच का व्यवस्था नहीं है। सरकार से हम लोग जांच के व्यवस्था का मांग करते हैं, क्योंकि कई एक राज्य से गाड़ी आ रहा है जो कई एक जगह का ड्राइवर है, और हम लोग अपना जान जोखिम में दे करके कोरोना को देखते हुए काम तो कर रहे हैं। तुरंत इस पर भी एक्शन लेते हैं, ऐसे उन लोगों को दी गई है सारी चीज़ें कि वो सैनिटाइज करके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम को करेंगे। अभी काम तो हम लोगों को करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी नॉर्म्स हैं, मेडिकल नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करके ही करेंगे, मैं उसको इंश्योर करता हूँ। लेकिन कि वो भी दाल भात केंद्र में खा सकते हैं, या वो लोग स्वयं ही अपना खाना बनाते हैं, वो लोग अपना लेके चलते हैं, सब कुछ जो है गाड़ी में लेके चलते हैं अपनी चीज़ों को, वो जहाँ रुकते हैं स्वयं भी प्रिपेयर कर लेते हैं। और हम समझते हैं प्रत्येक पंचायत में कई जगहों पे दाल भात केंद्र और दीदी किचन कहीं ना कहीं निकट तो है, वो खाना खा सकते हैं।